सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 25 इस तरह की वीडियो बना चुका हूँ, यह 26 है। दोस्तों यह वीडियो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, दूसरे स्टेट में हो, उनके लिए फर्स्ट एक तो आपका सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पेपर आता है, दूसरा अगर पेपर होता है दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है आपका जनरल अवेयरेंस, जिसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च होता है, आपका इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिक्स होता है, और इसके अलावा जो है रीजनिंग भी होता है, मैथ भी होता है, ये सब आते हैं। और ये जो है सिलेबस यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें स्टेट में होने वाले सिलेट पीएटी के फर्स्ट पेपर सभी में एक समान ही सिलेबस है। तो लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है बहुत ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पे। क्वेश्चन नंबर एक है, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशल का विकास, स्वास्थ्य आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण या मानव निर्माण। तो दोस्तों इसका ये राइट है, कौशल का विकास या प्रोफेशनल बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दो है, औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है अनुदेशन, बी प्रशिक्षण, सी प्रतिपादन, डी अनुबंधन। तो अनुदेशन। प्रश्न नंबर तीन है, संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधों से तो बहुविभेदीकरण संपत्तियों के अधिगम का संबंध होना चाहिए, यानी जो संकेत होते हैं या साइंस होते हैं उनका अधिगम का संबंध है, या संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंध से। तो बहुविभेदीकरण जो होता है संप्रत्यक्षों का अधिगम का संबंध किससे होना चाहिए, प्रशिक्षण से, बी अनुदेशन से, सी प्रतिपादन से, डी उपरोक्त सभी से। तो सी प्रतिपादन से। प्रश्न नंबर चार, आप बालकों में सकारात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे। अगर बच्चे हैं और उनके अंदर आप सकारात्मक पॉजिटिव अभिवृद्धि का विकास करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रतिपादन स्तर का शिक्षण दे या अनुदेशन, केवल अनुदेशन का प्रशिक्षण दे, अनुबंध केवल दे, प्रशिक्षण का दे। तो इसमें प्रतिपादन स्तरीय प्रशिक्षण दे। प्रश्न नंबर पाँच है, अवबोध स्तर पर यदि आप प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो शिक्षण सातित्य का चयन करेंगे, ए प्रशिक्षण द्वारा, अनुबंध, अनुदेशन या प्रतिपादन, तो अनुबंध के द्वारा। प्रश्न नंबर छः है, नियम एवं सिद्धांतों का अधिगम कराया जाता है अनुदेशन के द्वारा, जो नियम होते हैं उन सिद्धांतों का जो अधिगम या सिखाया जाता है वो कराया जाता है अनुदेशन के द्वारा, प्रतिपादन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो यह प्रतिपादन के द्वारा कराया जाता है। प्रश्न नंबर सात है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त शब्द की ओर संकेत नहीं करते बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं, यह कथन किसका है। तो एक जो है शिक्षाविद में है, उन्होंने बताया है अनुवांशिकता यानी कि वंशवाद जो होता है या पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर संकेत नहीं करते बल्कि एक मिनट, हेलो, हाँ किसको वो ले आएंगे, कोई नहीं आज, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों यह किस एक शिक्षाविद ने कहा, डेविड्स का है बयान है ये या कथन है, वाटसन का है या फिर गाल्टन का है या फिर केली का है। तो दोस्तों ये डेविड्स का है। प्रश्न नंबर आठ है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयकरण केवल अनुवंशा के आधार पर होता है, ए बुद्धि का, बी व्यक्तित्व का, सी किंग का, डी अधिगम का। तो दोस्तों इसमें व्यक्तित्व का विकास जो होता है, मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयकरण केवल अनुवंशा के आधार पर होता है व्यक्तित्व का। प्रश्न नंबर नौ है, कथन ए है, स्मृति स्तर के शिक्षण का अपना मूल्य है, वह क्षेत्र है, कारण स्मृति स्तर के ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते,
ये बहुत ही कहने मतलब इम्पोर्टेंट है और दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। जब तक किसी बच्चे को आप स्मृति लेवल यानी किसी चीज़ की उसकी जानकारी नहीं होगी तो वह उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा और उसको चिंतन कैसे करेगा। तो दोस्तों इसका जो है ए सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी सही है। प्रश्न नंबर 10, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। ए, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल सही है। अभ्यास के लिए ज़्यादा समय दिया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। थकान के समय शिक्षण न किया जाए, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है, केवल एक या केवल दो या सी एक और दो? तो ये सभी सही हैं, तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 13, 12 हो गया 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोध स्तर का पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक होता है यानी कि जो बोध मेमोरी होती है, या दो है, चिंतन स्तर का पाठ्य वस्तु तथ्यात्मक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, केवल एक या सी एक और दो दोनों, बी केवल दो, सा डी ना तो पहला ना दूसरा? तो इसमें केवल एक, बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु जो होता है व्याख्यात्मक होता है यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। प्रश्न नंबर 14 है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण कौन से हैं? ए, अनुभव सिद्धांत या प्रायोगिक सैद्धांतिक, ये सभी? तो ये सभी हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण अनुभवजन्य भी होना चाहिए, उसको लेबोरेटरी या प्रायोगिक भी होना चाहिए और सिद्धांतों पर भी आधारित होना चाहिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। प्रश्न नंबर 15, विवरणात्मक अनुसंधान में सबसे पहले क्या जाता है? जो विवरणात्मक या डिस्क्रिप्शन अनुसंधान होती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? नियमों का निर्धारण किया जाता है, या सी में दिया है ए और बी दोनों किया जाता है, या बी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण सबसे पहले किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, पुस्तकों और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, बी प्रतिभागितात्मक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, सी चिकित्सीय अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, डी प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधान के आंकड़ों के लिए? तो यह है ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख। दोस्तों कुछ मेरे पे कमेंट्स आए हैं कि आपका वीडियो क्लियर नहीं है, तो दोस्तों आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो उसका जो है आप एक राइट साइड में तीन बिंदु दिखाई देते हैं, उस पर क्लिक करें, नीचे क्वालिटी लिखा होगा। ऑटोमेटिक मोबाइल में क्या होता है, सभी मोबाइलों में क्वालिटी जो होती है 144 आती है, लेकिन आप उसको उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें 144 से 480, 720, 1080 आएगा, तो आप उसमें अधिक से अधिक जो आपके मोबाइल में दिखा रही है वीडियो की क्वालिटी आप उस पर सेट कर लें, वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस में से उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती? ए, सर्वेक्षण विधि में, बी प्रयोगात्मक अध्ययन में, सी ऐतिहासिक विधि में, डी मानव अध्ययन में? तो इसका बी प्रयोगात्मक अध्ययन में। प्रश्न नंबर 18, ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? भूत के यानी भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना, बी शिक्षा मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में चिंतन को नई दिशा देना, सी भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ऐतिहासिक अनुसंधान के जो उपरोक्त दिए हैं, भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य से जोड़ना, शिक्षा मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के चिंतन को नई दिशा देना और भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये सब जो है हिस्टोरिकल रिसर्च के उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 19, ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है, ए रुचि का, बी घटनाओं का, सी तटस्थता का, डी धार्मिकताओं का? तो इसमें जो दोस्तों तटस्थता यानी कि जब वो एक्चुअली ही पहले से भूतकाल की घटना है तो उसमें तटस्थता तो हो ही नहीं सकती, तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान की पद्धति का विस्तार विवरण उपेक्षित है? ए शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध का, बी संवादात्मक संभाषण का या कार्यशाला का,
संगोष्ठी पत्र लेखन का या सम्मेलनों संगोष्ठी पत्र का, तो इसमें शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध का। तो दोस्तों इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों इस तरह के मैंने 100 सेट बनाने की कोशिश की है और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका मैंने एक ई बुक भी बनाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे इस तरह के, तो आप उस ई बुक को खरीद सकते हैं और आपको कम से कम पैसों पे आपको अमेजन किंडले में ई बुक है वो मिल जाएगी, या आप मेरे से PDF के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने बेल आइकन पे नहीं दबाया तो बेल आइकन पे भी दबा लें। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये इनको सभी सेट जो है इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं www.ldcandnetexam.com पे, वहाँ पर ये पूरे सेट आपको फ्री में ही पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट, व्हाट्सएप नंबर आपको पूरा नहीं है, 8825072295। वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक।